हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी EVN कैप्सूल्स के कुछ बेनिफिट्स, आप इसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं, और आपको सारे प्रोसीड्योर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे आज वीडियो के साथ लास्ट तक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरे पास है EVN 400 विटामिन ई कैप्सूल। ये कैप्सूल हमारे बहुत ही काम के एक चीज है, क्योंकि इसमें विटामिन ई है। आप इसको खा सकते हैं और बहुत तरीके से अपने स्किन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे? अगर आपके आई क्रीम खत्म हो गया हो, या आप कोई भी तरह के आर्टिफिशियल आई क्रीम को यूज करना नहीं चाहते हैं, तो ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट को आप डायरेक्टली अपने आईज में अप्लाई कर सकते हैं एज आई क्रीम। अगर आपके फेशियल क्रीम में अगर आप ये डालना चाहते हैं, तो इसको आप अपने फेशियल क्रीम में ऐड करके भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी लोशन में आपको विटामिन ई चाहिए, तो आप अपने बॉडी लोशन में भी इस कैप्सूल को ऐड कर सकते हैं। अगर आई क्रीम के साथ आप ऐड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप लिप बाम की तरह ये कैप्सूल यूज करना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। ये अगर आप लिप बाम की तरह यूज करेंगे तो एकदम लगेगा बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही स्मूथ, और ये सूखेगा भी नहीं, ड्राई भी नहीं करेगा आपके लिप को। बहुत अच्छा होगा अगर ये आप ओवरनाइट अपने लिप पर रखें। लिप बाम तो हम यूज करते ही है, पर ओवरनाइट के लिए ये विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसको आपको यूज करके दिखाती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक खुला हुआ पैकेट है, तो मैं इसे ही यूज करूंगी। तो ये है वो कैप्सूल, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिखता है, ग्रीन कलर का। एक पिन से आप इसको छेद करिए, इसको काटिएगा मत सीजर से, क्योंकि ये पूरा निकल जाएगा। अब अगर एक कैप्सूल लेंगे तो ये आप दो दिन तो आपका इजीली चला जाएगा। मैं इसमें एक छोटा सा छेद बना देती हूँ, निकल रहा है छोटा सा छेद से। आप इसको एज लिप बम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसको लिपस्टिक के पहले यूज करेंगे, वो मैट लिपस्टिक हो या क्रेयॉन लिपस्टिक हो, कुछ भी, तो आप इससे बहुत फायदा क्या होगा, आपका लिप एकदम ड्राई नहीं होगा और लिपस्टिक रिमूव भी नहीं होगा टाइम के साथ, और इतना ग्लॉसी लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं आज आप लोगों के सामने विदाउट मेकअप इसीलिए हूँ, और कोई फिल्टर भी नहीं है वीडियो में, ताकि मैं आपको प्रॉपरली दिखा सकूँ कि इसका इसके एप्लीकेशन के बाद आपके फेस में कैसे ग्लो आते हैं। मैं ओवरनाइट इसको फेस में रखती हूँ एज आई क्रीम, एज लिप बम, और मैं अपनी क्रीम के साथ भी इसको मिक्स करती हूँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे फेस में बहुत ही ग्लो आते हैं। एज लिप बम मैंने इसको यूज कर लिया, देख सकते हैं कितना ग्लॉसी लग रहा है, और एकदम व्हाइट टेक्सचर नहीं आता है इसमें, आपके जैसे लिप का कलर है पिंक वैसा ही रहता है। अभी एज आई क्रीम मैं डायरेक्टली इसको यूज करके दिखाती हूँ। ऐसे ही हाथ में लेके आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप छोटा सा छेद बनाएंगे कैप्सूल में तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा, जो कि इनाफ है आपके लिए। इससे आपके जो आई लैशेस है उसके ग्रोथ भी बढ़ते हैं, और रिंकल भी नहीं आते हैं, डार्क सर्कल का प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है, ब्लेमिश स्किन नहीं रहते हैं। हो गया, अभी फेस में मैं यूज करूंगी। मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ, मेरे फेस में कोई क्रीम नहीं है, कोई जेल नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, तो मैं अभी ये एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करूंगी इसको। थोड़ा सा एलोवेरा जेल मैं ले रही हूँ, और उसके साथ ये EVN कैप्सूल मैं इसके साथ मिक्स करूंगी। टू ड्रॉप्स इनफ है, तो थ्री ड्रॉप्स निकल गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। एक बात एलोवेरा जेल के बारे में आप लोगों को मैं बोल दूं कि एलोवेरा जेल हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि हम एलोवेरा नेचुरल लिप्स को अगर देखें, फ्रेश एलोवेरा को, तो वो कौन से कलर का होता है?
ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें तो कोई कलर नहीं होता है ना कि एलोवेरा के जो लीफ है वो ग्रीन है इसलिए एलोवेरा जेल भी ग्रीन बन गया, वैसा तो नहीं होता है। जहाँ पे आप देखेंगे कि एलोवेरा जेल का कलर ग्रीन है वहाँ पे आप समझेंगे कि वहाँ पे कुछ कलर ऐड किया गया है, सिंथेटिक कलर, कोई कॉस्मेटिक कलर ऐड किया गया है। तो आप वैसे एलोवेरा जेल को अवॉइड ही करें। पर पतंजलि का जो एलोवेरा जेल मिलता है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, वो केसर एक फ्लेवर में मिलता है और उसमें नीम भी शायद ऐड है, इसीलिए उसका कलर जो है थोड़ा सा ग्रीनिश आता है। वो मुझे तो नेचुरल लगता है क्योंकि वो हम लोग बहुत पहले से यूज करते थे, तो कोई साइड इफेक्ट मुझे दिखा नहीं अभी तक। पर मेरा जो वाव का एलोवेरा जेल है उसमें कोई भी एडिड कलर नहीं है, पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, तो ये एकदम ही ट्रांसपेरेंट है। आप देख ही सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट उसका कलर है, कोई भी एडिड कलर उसमें नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत ही ट्रस्टेड है वाव का एलोवेरा जेल। आप जब इस विटामिन ई कैप्सूल को कोई क्रीम या जेल के साथ मिक्स करेंगे तो उसका थिकनेस बहुत ही बढ़ जाता है और जल्दी फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि एलोवेरा जेल जो है वो लगाने के बाद ड्राई होने में 2-3 मिनट टाइम लगता है, पर मैंने अभी कैप्सूल को मिला के लगाया है मेरे फेस पे, तो इससे मुझे फायदा ये हुआ कि ये बहुत ठीक हो गया था और मेरे फेस में वो एकदम अंदर चला गया, जल्दी से ड्राई हो गया, ग्लॉसी भी लग रहा है, ठीक है। और इस ये थोड़ा सा चिपचिपा आपको लग सकता है पर इससे पिंपल नहीं होगा और ऑयल का ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर आप घर में रह रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, घर में रह सकते हैं इसको लगा के, ऊपर नाइट भी रख सकते हैं। तो ये है बहुत सारा बेनिफिट इसका। आप इसको बॉडी लोशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, बॉडी वॉश के साथ भी यूज कर सकते हैं, कई तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, ये इसका इतना सारा बेनिफिट है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, ये बहुत ही काम का चीज मैंने आपको दिखाया। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को भी देखने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, फेसबुक पेज में, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए वेरी गुड बाय।